गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम मैथ्स में चैप्टर 6 कर रहे थे द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया था, जिसमें हमने सीखा था कि एक ट्राइंगल तभी फॉर्म हो सकता है जब उसकी कोई सी भी दो साइड्स का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा हो। ठीक है ना, या फिर दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी वाली साइड से क्या हो, दो साइड्स का जो डिफरेंस है उससे तीसरी वाली साइड क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, तो ये दो बातें हमने पढ़ी थी और उसी के बेसिस पर हमने क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किया था। अब वही बातें हमें ध्यान रखकर आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, ए एम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ये आप ट्राइंगल देख सकते हैं, तो जो ए एम है, जो ए एम है ये क्या है बच्चों, ये मीडियन है। पढ़ा है ना हमने मीडियन, कि हमने बी सी पर एक मिड पॉइंट लिया एम, कोई भी एम मिड पॉइंट लिया और उससे अगर हमने सामने वाली वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं तो जो लाइन फॉर्म होती है दैट लाइन इज नोन एज मीडियन, है ना। तो आपको ये बात प्रूव करनी है कि इन तीनों साइड्स का सम इस मीडियन से, इस मीडियन का अगर हम डबल कर दें तो इन तीनों साइड्स का सम बड़ा हो उससे। तो चलिए कैसे करेंगे इसको सीखते हैं। देखिए ये हमारे पास फिगर है, अब हम ये देख सकते हैं कि इसमें दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक कौन सा ए बी एम और एक ए एम सी, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ट्राइंगल ए बी एम। अब जब बच्चों ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इसका मतलब इसकी दो साइड्स का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा होगा, है ना, यही होगा। तो हमने लिखा कि जो ए बी प्लस बी एम है, कौन ए बी प्लस बी एम, उसका सम किससे बड़ा होगा, तीसरी वाली साइड से, मीन्स ए एम से। आई बात समझ में, मतलब दो साइड्स का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा होगा। इसी तरीके से मैंने ट्राइंगल कंसीडर किया, कंसीडर ट्राइंगल ए एम सी, कौन सा ए एम सी। ठीक है, ए एम सी कंसीडर किया तो इसमें भी यही कंडीशन फॉलो होगी कि जो ए सी प्लस एम सी है उसका सम ए एम से बड़ा होगा, है ना, ये इन दो साइड्स का सम इस तीसरी वाली साइड से बड़ा होगा। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ कर जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए उसमें ए बी भी आ रहा है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों का सम बड़ा हो किससे, ट्वाइस ऑफ ए एम से, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हमने ऐड किया ए एम प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस एम सी। देखो इसको इसके साथ ऐड करेंगे और इसको इसके साथ ऐड करेंगे, और ये ग्रेटर देन का साइन है इसे लगा रहने देंगे, फिर ए एम प्लस ए एम। आई बात समझ में सभी बच्चों को, इतना समझ में आया ना उन्हें आप लोगों को। अब देखिए ए बी तो हमें चाहिए तो हमने ए बी को ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसी तरीके से ए सी भी मुझे चाहिए, ए सी मैंने ऐसे ही लिखा रहने दी। अब मेरे पास क्या है, बी एम और एम सी, क्या है बच्चों, बी एम और एम सी। बी एम देखिए, बी एम और एम सी, बी एम और एम सी को मिलकर क्या बन रही है, बी सी। क्या बन रही है, इन दोनों को मिलकर बन रही है बी सी, तो इन दोनों के सम को मैं लिख सकती हूँ बी सी, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये बन कैसे रही है, बी एम और एम सी से। तो इन तीनों का सम अब ए एम प्लस ए एम क्या होगा बच्चों, 2 ए एम। देखिए जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो गया, बस हमने क्या किया, ट्राइंगल कंसीडर किया और हमें पता है कि जी ट्राइंगल क्यों फॉर्म हो रहा है, इसी वजह से फॉर्म हो रहा है क्योंकि इसकी दो साइड्स का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा है। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे आप इस फिगर को देख सकते हैं, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब इसकी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, ABCD DA। ओके, तो आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE, मतलब इन चारों साइड्स का सम बड़ा हो किससे, AC प्लस BD से। AC क्या है बच्चों, AC और BD क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगनल है। क्या है बच्चों, डायगनल है AC और BD। तो आपको ये बताना है कि इन चारों साइड्स का सम बड़ा होगा किससे, इन दोनों डायगनल्स के सम से। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं हम। और आप क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे तो उसमें भी यही है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इज। तो आपको ये प्रूफ करना है कि इन चारों साइड्स का सम छोटा होगा किससे, ट्वाइस ऑफ इन दोनों डायगनल्स के सम। तो मतलब फिगर दोनों के लिए एक ही है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ करके दिखाती हूँ, फिर आप उसी को समझकर अच्छे से क्वेश्चन नंबर 5 खुद प्रूफ करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमें प्रूफ कैसे करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 खुद प्रूफ करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, तो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD है। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसके अंदर ट्राइंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं, ना फॉर्म। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, लिखेंगे प्रूफ क्या करना है हमें, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इन चारों का सम बड़ा होगा किससे, AC प्लस BD से, मतलब डायगनल्स के, तो डायगनल्स है उनके सम से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, और ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इसका मतलब दो साइड्स का सम तीसरी वाली साइड से ज़्यादा होगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो AB है, BC है, CD है, DA है, आपको उन्हें इस साइड रखना है, और जो AC है और जो BD है उसको आपको इस साइड रखना है, मतलब उसी तरीके से आपको रूल लगाना है। तो जैसे हम बच्चों ये पहला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला, कौन सा है ये ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल ABD। ठीक है, ABD, इसमें क्या होगा, AB प्लस AD का सम बड़ा होगा किससे बच्चों, BD से। इन दो साइड्स का सम इस तीसरी वाली साइड से बड़ा होगा, होगा ना बड़ा। ठीक है, अब एक तो रूल, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब हम दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्राइंगल ABC, मतलब अभी मैंने ये वाला किया, अब मैं कौन सा करूँगी, ये वाला ABC। ठीक है, इसमें क्या होगा बताइए मुझे आप, AB प्लस BC का सम बड़ा होगा किससे बच्चों, AC से, तीसरी वाली साइड से। ये हो गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब लिखते हैं, अब और भी ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, जैसे अभी तो हमने दो नीचे वाले ट्राइंगल लिए, अब हम कौन से ट्राइंगल ले सकते हैं, देखो ये वाला ACD, देखिए कौन का, ACD। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ACD है ना, तो AD प्लस CD का सम बड़ा होगा किससे, AC से। ओके, आई बात समझ में। अब देखिए, तो ये हो गई आपके पास थर्ड इक्वेशन। अब हम फोर्थ इक्वेशन बनाएंगे, कंसीडर ट्राइंगल, अब आप ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं, BCD। कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं, BCD। इसमें क्या होगा, BC प्लस CD बड़ी होंगी किससे, BD से। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास फोर्थ इक्वेशन। अब आप देख रहे होंगे कि AB, BC, AD और CD सब इस तरफ है, और BD, AC इस तरफ है, मीन्स हमने इक्वेशन सही लिखी है, सही बनाई है। अब देखो यहाँ पर ये सम आ रहा है ना, सम
सम तो ये आ रहा है, सम ही तो प्रूव करना है। इसका मतलब हम इन चारों इक्वेशंस को क्या करेंगे बच्चों, ऐड। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 and 4। ओके, आई बात समझ में। हम इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। अब ए बी प्लस ए डी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस बी सी प्लस सी डी, ग्रेटर देन का साइन किससे होगा, ए सी सॉरी हाँ पहले बी डी है तो बी डी वो इस तरफ लिख गया है, कोई बात नहीं है, वो ए सी प्लस बी डी। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो इस तरीके से हमारे चार ट्राइंगल फॉर्म हुए, उससे हमने इक्वेशंस बनाई, क्योंकि हमें पता है कि दो साइड्स का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा होता है, वही हमने किया। आफ्टर देन हमने सारे इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ओके, सभी को समझ में आया ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे बच्चों, आप ये देख रहे होंगे ये एक ए बी है, ये एक ए बी है, दोनों मिलकर कितनी ए बी बन जाएंगी, 2AB। तो 2AB, इसी तरीके से ये भी AD, ये भी AD, तो 2AD, BC, BC, 2BC, CD, CD, 2CD, ठीक है। फिर ग्रेटर देन, अब इसमें भी देख सकते हैं AC, AC, 2AC, BD, BD, 2BD, ओके, आई बात समझ में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखो सब में 2 लगा हुआ है, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उसमें 2 नहीं है, इसका मतलब 2 हमें हटाना होगा। तो हम 2 यहाँ पे कॉमन लिया, अंदर रह गया ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी। ओके, तो साइन ये फिर 2 ए सी प्लस पी डी। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को। अब देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी ए सी प्लस बी। ठीक है, देखिए हमें यही प्रूफ करना था और हमें ये प्रूफ मिल गया, यही प्रूफ करना था ना हमें। तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, समझ में आया ना। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 खुद करने की कोशिश करेंगे। मैं देखती हूँ कि आपको आपने समझा कि नहीं समझा, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 अब खुद करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। मतलब दो एक ट्राइंगल है, जैसे कि ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स आपको दे रखी है, है ना। तो हम लिख लेंगे कि जो फर्स्ट साइड है वो है बच्चों 12 सेंटीमीटर और जो सेकंड साइड है वो है 15 सेंटीमीटर। ओके, अब बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो इसकी तीसरी साइड है, कौन सी साइड, जो इसकी थर्ड वाली साइड है वो मतलब उसकी लेंथ किससे लेकर किसने के बीच में होगी, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, किसके बीच में होगी, क्या पूछा गया है, मतलब किसके बीच में होगी, है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि थर्ड साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच में होगी, है ना। तो यही आपको बताना है कि कितने सेंटीमीटर के, कौन से दो मेजर्स के बीच में उसकी थर्ड साइड होगी। ठीक है, तो उसके लिए देखो हमें पता है कि एक ट्राइंगल में दो साइड्स का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए, तो जो तीसरी वाली साइड है वो इन दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए। तो हम वही करेंगे, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड वो बड़ी होनी चाहिए इन दोनों का सम किससे, थर्ड वाली साइड से। फर्स्ट साइड है बच्चों 12, सेकंड है 15, तो इन दोनों इसका सम थर्ड वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना है बच्चों, 27। इसका मतलब जो तीसरी साइड है वो 27 से छोटी होनी चाहिए।
है ना। तो थर्ड वाली साइड है वो 27 से छोटी होनी चाहिए, तभी तो ट्राइंगल फॉर्म हो सकेगा। ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब जो थर्ड साइड है वो 27 से छोटी होनी चाहिए। अब हमने एक और बात पढ़ी थी कि जो फर्स्ट साइड है, मतलब इन दोनों साइड्स का डिफरेंस जो बड़ी है उसमें से हम छोटी को माइनस करेंगे। तो सेकंड वाली बड़ी है ना, तो सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तीसरी वाली साइड उससे जो थर्ड वाली साइड है वो बड़ी हो। क्या वो थर्ड वाली साइड बड़ी हो, तो 15 माइनस 12 थर्ड साइड। अब कितना आया बच्चों, 3, मतलब 3 से बड़ी हो। जो तीसरी वाली साइड है वो 3 से बड़ी हो और 27 से छोटी हो। क्या हो, 3 से बड़ी हो और 27 से छोटी हो। इसका मतलब जो तीसरी साइड है वो किस किस के बीच में आएगी, 3 और 27 के बीच में ही आएगी। किसके बीच में आएगी, 3 और 27 के बीच में ही आएगी। क्योंकि क्या कहा जा रहा है आपसे, क्या हमने क्या निकाला कि 3 से तो बड़ी होनी चाहिए और 27 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब जो तीसरी वाली साइड है वो 3 और 27 के बीच में आनी चाहिए। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो हम लिखेंगे यहाँ पर द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड शुड फॉल बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। ओके, क्या लिखेंगे आप कि जो तीसरी वाली साइड की जो लेंथ है वो किस किस के बीच में आनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच में आनी चाहिए। ओके, आई बस हम में। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.4 फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आई हो। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। आज आपका होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एक्सरसाइज 6.4 का अपनी मैथ्स की नोटबुक में करना है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।